Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Aprol. Welcome to my channel. Thought of the day is, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So just start right now to be a great. So topic of the day is mole concept and its numerical. From class 11, chapter 1, some basic concepts of chemistry. So in last lecture I discussed with you about the mole concept, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि number of mole हम कैसे निकालते हैं और mole of a substance क्या होता है. Basically mole of a substance होता है mass in gram divide by gram molecular mass और gram molar mass. और अगर हम उसको simple way में करना हो, हमें number of mole निकालने हो, तो हम क्या formula use कर सकते हैं. Number of mole of a substance will be equals to the given mass in gram divide by molecular mass. और मॉलिक्यूलर मास निकालना अब आप सबको आता है, बिकॉज आप एटॉमिक मासेस याद कर चुके हो. अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हो और मोल कंसेप्ट कर रहे हो और आपको एटॉमिक मासेस नहीं आते, तो आई विल सजेस्ट यू सबसे पहले एटॉमिक मासेस याद करो. अगर आपको एटॉमिक मास आते हैं तो आप मोल कंसेप्ट ईजिली कर सकते हो. तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूल का मास निकालो, पुट करो, गिवन मास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो. तो अगर हम जितना हम मोल कंसेप्ट अभी तक पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के, उसको अगर सम अप करने की कोशिश करें तो यही है मोल कंसेप्ट. बेसिकली केमिस्ट ने अपना काम इजी करने के लिए मोल कंसेप्ट बनाया था. तो बेसिकली हमने यही कहा था कि एटम्स को काउंट करने के लिए केमिस्ट ने मोल कंसेप्ट बनाया. सो दिस इज अ वन मोल कार्बन जिसमें 12 ग्राम कार्बन है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं एवोगाड्रोस नंबर, और किसके इक्वल रहेगा वो 1 मोल के इक्वल. और ऐसे ही अगर हम दो एटम्स को कंपेयर करें, कार्बन और कॉपर को, तो दोनों का वेट डिफरेंट रहता है बट नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, बिकॉज ये भी 1 मोल रहेगा और ये भी 1 मोल रहेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो इसीलिए 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम. और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और फॉर कॉपर इट इज 1 मोल इक्वल्स टू 63.5 ग्राम, बिकॉज इट इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मोल. ग्राम एटॉमिक मास हम ऐसे टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब उसका रिलेशन करेंगे मोल कंसेप्ट के साथ. तो ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर. और अगर हम बात करें 1 ग्राम एटम की ऑफ एन एलिमेंट की, तो वो किसके इक्वल रहेगा, उसके एटॉमिक मास इन ग्राम्स, और सिमिलरली वो इक्वल रहेगा 1 मोल ऑफ एन एटम. तो अगर हम सम अप निकालें तो 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम विच इज इक्वल्स टू 1 मोल एटम्स एंड विच इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो इस तरह से ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन निकला है नंबर ऑफ मोल के साथ. अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ मोल. जहाँ पे हमने एटम को डिस्कस किया वहाँ हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, तो सेम वैसे ही रहेगा. वहाँ पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स थे और इस कंसेप्ट में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. और जैसे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आया था 100 ग्राम, बिकॉज वो एक मॉलिक्यूल है. तो उस मॉलिक्यूल को अगर हम 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उस मॉलिक्यूल का मास रहता है 100 ग्राम. एक मोल, 1 ग्राम मोल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम मोल विच इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 100 ग्राम. तो विच इज इक्वल्स टू 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स. और एक चीज़ और, जब भी आपने ये पावर लिखनी है तो ये प्लस में है 23. बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ 10 अगर मैं बात करूँ, 9 स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार गलती से -23 लिख देते हैं. अगर आप -23 कर दोगे एवोगाड्रो नंबर को तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एटम्स हैं दैट इज 6.022×10^23, और ये 23 प्लस का है, माइनस का नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना. तो अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन. और हमें पता है 12 ग्राम कार्बन एक एटम का मास है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल. वैसे ही अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो हमें पता है 12 ग्राम में एक मोल है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/12. और 24 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 24, तो हमारे पास आगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन. आगे हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन. एक मोल नाइट्रोजन में 14 ग्राम नाइट्रोजन, अब 3 मोल में कितनी होगी, 14×3, तो हमारे पास आंसर आएगा 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर. तो एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज एक मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, तो एक मोल ऑफ वाटर में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन में कितने होंगे, ये हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं,
that will be your Avogadro number of atoms in one mole of oxygen atoms. So how many molecules in 3 mole of water? एक मोल में थे एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल के लिए करना होगा तो मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.806 × 10⁻²⁴ molecules. सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आप इसमें फाइंड कर पाओगे कि आपके पास आंसर आएगा 2 मोल. सो अब हम रिलेट करेंगे वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज वॉल्यूम को रिलेट किया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने विद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के साथ, क्योंकि डेल्टन इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाया था कि मास कैसे रिलेटेड है वॉल्यूम के साथ, और इसीलिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने फिर फर्दर वॉल्यूम को इन टर्म ऑफ मोल बताया. तो हमें पता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास ऑफ ए गैस एंड इट्स वॉल्यूम. और इसी चीज़ को यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1 ग्राम मोल ऑफ एवरी गैस और अ वेपर अंडर NTP कंडीशन, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, विल ऑक्यूपाई अ 22.4 लीटर विच इज अ फिक्स क्वांटिटी एंड इट इज नोन एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस. इस तरह से हमने ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ मोल किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ मोल किया और वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मोल किया. अब इस वॉल्यूम को अगर हम और रिलेट करना चाहें इन सब चीज़ों के साथ, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, इन कंडीशंस पे वॉल्यूम रहेगी 22.4 लीटर. तो अगर हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, तो उसका मॉलिक्यूलर मास, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल रहेगा, 1 मोल के इक्वल, वो किसके इक्वल रहेगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, उसका मास रहता है 44 ग्राम, तो हम बोलेंगे 1 ग्राम मोल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो रहेगी 22.4 लीटर एट NTP कंडीशन. सिमिलरली अमोनिया के केस में इसका मास आता है 17 ग्राम, और ये 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितनी रहेगी, 22.4 लीटर. और इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को इन टर्म ऑफ मोल्स. तो ये है एक सम अप ओवरऑल जो हमने अभी पढ़ा, कैसे हमारा 1 मोल रिलेटेड है इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम. इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वो इन टर्म ऑफ पार्टिकल रिलेट करते हैं 1 मोल को, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे. तो उस सेक्शन में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. और इस सेक्शन में मैंने आपके साथ स्टार्ट किया इन टर्म ऑफ मास, मोल कंसेप्ट कैसे मास के साथ रिलेटेड है. तो हमने इसमें ग्राम एटॉमिक मास डिस्कस किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया, और ग्राम फॉर्मूला मास भी हम उसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं. और उसके बाद हमने अभी पढ़ा है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है मोल के साथ. तो इन शॉर्ट ये एक पूरा फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा कैसे हमें मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, और कैसे मोल कंसेप्ट इसमें हमारी हेल्प करता है. तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी, सो दैट आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए. तो ये कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना करने के, जैसे हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर. उसी तरह से क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी एटम ऑफ ईच प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा, और ये उसका फॉर्मूला गिवन है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन करनी है पुराने वाले टर्म से क्लियर हो गए, फॉर्मूलाज यूज करने और कैलकुलेशन. तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन, तो आई विल डिस्कस विद यू. इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 16, 12 होता है कार्बन का और 4 होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 = 16 ग्राम. तो 16 ग्राम मिथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 1 ग्राम मिथेन में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 16. तो आपको फाइंड करना है 1.6 के लिए, तो आप साथ में कर दोगे मल्टीप्लाई विद 1.6 और आपके पास आंसर आएगा 6.022 × 10⁻². इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में. अब आपको इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना है. सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के. तो ये 4 + 6 = 10, तो इसमें एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है. और आपको इतने मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद 10 कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर. सो दिस इज द वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली.
अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये निकालना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में जिनमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले आप निकालोगे मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड को, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बताएंगे 44 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 में O2 होता है, O2 का मास रहता है 32 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगी, 44 डिवाइड बाई 32। तो 8 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 8 कर देंगे और हमारे पास आ गया 11 ग्राम। अब आपको निकालना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन दिस मच मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स दिस मच मॉलिक्यूल्स से डिवाइड हो गया 44 के साथ। और आपको निकालना है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद 11, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स देखने पड़ेंगे, वो कितने हैं, 11.2 लीटर। और उसके बाद बताएंगे 22.4 लीटर हमें पता है किसके इक्वल है, 1 ग्राम मोल के, और उसका 1 लीटर के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 22.4। और हम अब एक फाइंड करेंगे 11.2 के लिए कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट 0.5 ग्राम मोल। इतने मोल्स आ गए हमारे पास इतने लीटर में, और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 1 ग्राम मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर। 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3.0 × 10⁻²³। और अब आपको निकालने हैं कार्बन और ऑक्सीजन एटम इतने मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे, इस फॉर्मूला में एक ही कार्बन होता तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये सेम रहेगा क्योंकि कार्बन एक ही है CO2 में। बट अब हमें निकालनी है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन इस फॉर्मूला में 2 है, तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फाइंड करने हैं सोडियम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको गिवन है, सबसे पहले आपका काम ये रहेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पूरे फॉर्मूला में कितने सोडियम है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। अगर हम ध्यान से देखें इस फॉर्मूला में तो N2 है, Na2 है, इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें Na2 है, इसका मतलब सोडियम के 2 एटम है, कार्बन यहाँ पे सिंगल है तो कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है पर साथ में डॉट H2 है, इसका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 10 ऑक्सीजन रहेंगी और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, टोटल होगी 13 ऑक्सीजन और 10 वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 20 हाइड्रोजन रहेंगे। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 20 हाइड्रोजन और 13 ऑक्सीजन है। अब इसके बाद हमें करनी होगी कैलकुलेशन, सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास इस क्वेश्चन में, वॉशिंग सोडा का वो आया 286। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके नंबर ऑफ मोल निकालने, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 143 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें एटॉमिक मासेस आते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम मोल। इतने मोल्स में आपको ये निकालना है कितने एटम्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट फॉर 1 मोल, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 0.5 मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, और उसमें सोडियम कितने हैं, 2, तो हम साथ में कर देंगे मल्टीप्लाई विद 2, तो इतने आगे सोडियम एटम। अब हमें कार्बन निकालना है, तो कार्बन के लिए हम सिंपली मोल से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कार्बन 1 ही था। और इसी तरह से आप जब हाइड्रोजन के लिए करोगे तो आप इसको साथ में इतनी वैल्यू को साथ में करोगे मल्टीप्लाई विद 20, और अगर आप निकाल लोगे ऑक्सीजन के लिए तो यहाँ पे आप 20 की जगह पे कर दोगे मल्टीप्लाई विद 13, तो आपके पास सोडियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो इस तरह से अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी जो आपको थोड़ा सा टॉपिक को रिमेम्बर रखने में हेल्प करेगी। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें 2 एटम्स दिए गए हैं और हमें वॉल्यूम दी है 21.5 लीटर, और यहाँ पे मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इनमें से 2 एग्जिस्ट करते हैं, एक मैंने एज सच आपको ऐसे ही दिया है सो दैट कि आपको ये टॉपिक समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या जस्टिफाई करना चाहती हूँ। तो ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता HO2, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 21.5 लीटर ऑफ HO2, H2O एंड H2O2 एट NTP। दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे तीनों कंपाउंड की वॉल्यूम हमें फिक्स दी गई है। हमें सबसे पहले इनमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो आप पहले H2O के लिए
H2O2 के लिए और HO2, इन तीनों के लिए नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो आपके पास जब HO2 के लिए मोल निकालोगे तो वो आएंगे 0.95। फिर आपको एटम्स निकालने हैं तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल एंड मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन 1 है तो 1 के लिए सेम रहेंगे। जब आप O2 के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, तो आपके पास इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे HO2 में। सिमिलर सिचुएशन आपको यहाँ पे करनी होगी, H2O के लिए नंबर ऑफ मोल निकालोगे वो फिर वही आएंगे 0.95। हाइड्रोजन के लिए एटम करोगे, हाइड्रोजन फिर यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है 0.95 के साथ। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे H2O2 के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल फिर 0.95 आ रहे हैं। एटम्स यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं, इसके लिए आप दोनों में मल्टीप्लाई 2 करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप कंपेरिजन करते हैं, अगर हम HO2 और H2O2 में, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल तो तीनों में सिमिलर थे, बट इन दोनों में ऑक्सीजन एटम भी सिमिलर आ रहे हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूला में भी O2 है और इसके फॉर्मूला में भी O2 है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं जब हमारे पास फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम सिमिलर हैं। तो ऐसे ही हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन सिमिलर रह रहे हैं और नंबर ऑफ मोल सिमिलर हैं। तो इसे हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास अगर दो एटम्स दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं पर उनकी वॉल्यूम फिक्स दी गई है एट NTP कंडीशन, तो उनके नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे चाहे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब भी कंबाइन होंगे एट अ फिक्स वॉल्यूम तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहे डिफरेंट हो पर नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे। और इससे हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इफ टू एटम्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग सेम मॉलिक्यूल वॉल्यूम और सेम वॉल्यूम, इफ टू एटम्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग सेम वॉल्यूम विल हैव, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे नंबर ऑफ मोल डिफरेंट, सेम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम सिमिलर, नंबर ऑफ एटम ऑफ वन एटम डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो यहाँ पे अब आपने डिस्कस किया तो हमने यही पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो सो दैट आपको याद रहे सब कुछ कि कैसे हमने कैलकुलेशन की थी। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट द कंटेंट ईजिली।